इस पूरे जीवन में टू बी एबल टू गिव इंपॉर्टेंस एंड टू बी एबल टू ड्रॉप इंपॉर्टेंस एट विल, दैट्स द होल गेम। सुन रहे हो मेरी बात? तुम जब चाहो जिस चीज को चाहो इंपॉर्टेंस देना चाहो तो दे दो, जब देखो कि यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, भारी होने लगा, जब चाहो इंपॉर्टेंस त्यागना चाहो त्याग सको। ये खेल है दुनिया का। जो सिंसियर लोग होते हैं वो अननेसेसरीली इंपॉर्टेंस देते रहते हैं चीजों को, और वो करेक्ट चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? सो वो एक बहुत सुंदर भाव है, वो बहुत बहुत फैंटास्टिक क्वालिटी है ह्यूमन माइंड की, कि यू नो जो करेक्ट चीजें हैं, जो धर्मलक्षी चीजें हैं, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी वही दिया हुआ इंपॉर्टेंस तुम्हें भारी बना देता है। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा गुंडागर्दी अलाउड है। आर यू लिसनिंग? अपने आप को भी अलाउ करना और दूसरों को भी अलाउ करना। अच्छा, मैं इसका बड़े एंगल का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं फ्रॉम ए बिगर परस्पेक्टिव। आर यू लिस्निंग? आप इमेजिन करो यार, 5200 साल के बाद गुरुदेव फिर से एक बार शरीर में आए और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाथ बनाया है उन्होंने, एंड वी कैन यूज दिस, मुझे शब्द ही नहीं मिलते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म अवर ओन लाइफ थ्रू इट। यस, वाओ, व्हाट एन इंपॉर्टेंट थिंग। बट इमेजिन करो अगले 100 साल में, 200 साल में फिर से एक बार, सपोज इस बार गुरुदेव के होने से 10 करोड़ लोगों को मोक्ष प्राप्ति हो गई, उसके बाद क्या? जैसे ही गुरुदेव का शरीर छूटे उसके बाद धीरे धीरे करते करते माया फिर से पकड़ेगी दुनिया को। कितने सारे जीव जो अभी मनुष्य योनि में नहीं है, जानवर योनि में है, वहां से मनुष्य योनि में आएंगे, उनका तो ट्रेंड माइंड है ही नहीं, फिर से एक बार वही खेल फिर से शुरू। 5000 साल पहले भी तो भगवान ने आके किया ही है ये जो आज हम कर रहे हैं, गुरुदेव के प्रेजेंस से हमारे जीवन में हो रहा है। 5000 साल पहले भगवान ने किया ही था ये सब कुछ, अलग तरीके से किया था, अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए थे, बट पूरी तरह यू नो अगर उसका खेल देखोगे, अवतार जब आए एवरी सिंगल टाइम पूर्ण सत्व की पुनः स्थापना करके गए, फिर धीरे धीरे सत्व में से रजो सत्व, फिर रजो रजस, फिर रजस तमस, और फिर तमस इकट्ठा होते होते फिर समय आता है जब अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं, दिव्यता कहते, फिर से आना पड़ेगा, फिर अपनी हमारे जैसी पागलों की टोली लेके फिर से आते हैं वो, और ये अनंत काल तक चलने वाला है ये खेल। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब ऐसे में गौर से देखो तो इंपॉर्टेंस देने जैसा क्या है? फिर भी टू बी एबल टू अटैच इंपॉर्टेंस एट विल एंड टू बी एबल टू ड्रॉप इंपॉर्टेंस एट विल, वो हमें सीखना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, हम गुरुदेव के मुंह से कई बार सुने हैं, गुरुजी कहते हैं हम ना हम तरने आए हैं ना तारने आए हैं, हम तो खेलने आए हैं। कितने लोगों ने सुना है ये बात? वंडरफुल, राइट फ्रॉम गुरुदेव्स माउथ आई हैव हर्ड दिस। ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट टू सीरियसली इफ समबडी डजंट गेट एनलाइटेंड। आप समझ रहे हो मेरी बात?